इस वीडियो में हम लोग 122 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो बनी थी उसमें 30 नंबर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो 131 नंबर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो उसमें 121 नंबर तक क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस किए थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में 122, और ये जो पेपर डिस्कस हो रहा है ये नीट 2013 का है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के कौन से साल का है, 2013 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 2013 से नीट शुरू भी हुआ था, तो हम लोग जो क्वेश्चन पेपर शुरू किए थे डिस्कस करना वो 2001 से लेके 2020 तक हमको करना है, बट 2030 तक हम लोग आ चुके हैं। तो जितनी भी वीडियो डिस्कस किए हैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं, और चैनल पे आप लोग एक बार ज़रूर विजिट करें और रिवाइज करते रहें वीडियो। तो चलिए, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेडिकल का कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट देना चाहते हैं, तो सभी, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, जो नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम में मान लीजिए जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो एग्जैक्ट उठा के रख दिए जाते हैं कहाँ पे, जैसे मान लीजिए कहीं पे पैरा मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर बीएससी नर्सिंग या फार्मेसी का, तो वो वहाँ पर रख दिए जाते हैं सिंपल वाले क्वेश्चन। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस करते हैं, और डिस्कस आप लोग वीडियो के ये समझिए कि लाइक ज़रूर करना है। तो अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल को तो क्रिएट किया गया है। आप लोग नहीं, अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, आप ही लोग का हेल्पफुल के लिए मेहनत भी की जा रही है। 122 नंबर क्वेश्चन, इफ़ टू पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप, अगर दो पर्सन हैं उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो, मैरिज शादी कर रहे हैं एंड हैव सफिशेंटली लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, दीज चिल्ड्रेन कुड बी क्लासिफाइड ए ब्लड ग्रुप, जीनोटाइप दिया गया है, ये फिनोटाइप दे दिया गया है, जीनोटाइप ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, और रेशियो दे दिया गया 1:2:1, मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस रिवर्स प्रोसेस बोथ ए एंड बी, अगर ब्लड ग्रुप की बात कर रहा है तो कोडोमिनेंस एग्जाम्पल होता ही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ये हिंदी आप लोग देख लीजिएगा, यदि ए बी रक्त समूह वाले दो व्यक्ति विवाहित होते हैं और उनके पर्याप्त विशाल संख्या में बच्चे होते हैं, इन बच्चों का ऐसे वर्गीकृत किया जा सकता है, ए रक्त समूह, ए बी रक्त समूह, बी रक्त समूह का रेशियो दिया गया है 1:2:1 के अनुपात में, प्रोटीन वैद्युत का संचालक प्रोटीन इलेक्ट्रोप्रोसेस की आधुनिक तकनीक से ज्ञात होता है, ए और बी प्रकार के प्रोटीन दोनों ही ए बी रक्त समूह से व्यष्टियों में विद्यमान है, यह किसका उदाहरण है, तो यह सा प्रभाविता का, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं, दी प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म विथ डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटिपिक एडाप्टेशन रिस्पॉन्स टू कॉमन इन्वायरमेंटल चैलेंज इज कॉल्ड, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भिन्न विकास इतिहास वाले जीव एक समान पर्यावरणीय चुनौती के जवाब में समान समलक्षण अनुकूल विकसित करते हैं क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये पे आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें इवोल्यूशनरी जो डिफरेंट, मतलब ये जहाँ से ओरिजिन होती है वो डिफरेंट है, डिफरेंट जगह से आएंगे, बट इनके जो फंक्शन है ना, सिमिलर फिनोटिपिक एडाप्टेशन, मतलब मीन्स फंक्शन जो होता है वो सेम, कह रहा है कि फंक्शन सेम होते हैं बट ओरिजिन जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये देख लीजिए, ओरिजिन एक यहाँ से, तो ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, फंक्शन सेम होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड का सही हो जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो एनालोगस या फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, The tendency of population to remain in genetic equilibrium may be disturbed by, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक समस्ट की, इसके पहले वाला है क्वेश्चन तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वाला, एक समस्ट की आनुवंशिक संतुलन में रहने की प्रवृत्ति किसके द्वारा भंग हो सकती है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है दी टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो होता है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम को कौन डिस्टर्ब करेगा, तो हार्डी विनवर इक्विलिब्रियम होना चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए तो नहीं डिस्टर्ब होता, लैक ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, ये भी सही है, और लैक ऑफ म्यूटेशन, कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, और लैक ऑफ रैंडम मेटिंग, ये कह रहा है रैंडम मेटिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं रैंडम मेटिंग होनी चाहिए,
तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। अगर रैंडम मेटिंग अब्सेंट हो जाए, लाइक मीन्स ख़त्म हो जाए, तो फिर जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। ये देख लीजिए, ये क्या क्या फॉलो करते हैं, रैंडम मेटिंग को फॉलो करते हैं, एलील फ्रीक्वेंसी, जीन माइग्रेशन, जीन इम्प्लांट, ये सब फॉलो करते हैं। ये चीज़ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें यादृच्छिक संगम के अभाव द्वारा, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर, किसानों के द्वारा निम्नलिखित बीटी फसलों में कौन सी फसल भारत में किसानों द्वारा उगाई जा रही है, तो वो होती है कॉटन। कॉटन मीन्स कपास, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आप सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, गुड प्रोड्यूसर्स ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक कौन सा है, तो अच्छा उत्पादक जो होता है वो एस्परजिलस होता है, तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट करेंगे, यहीं से एस्परजिलस से सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज इन ए केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है ना, इनको कौन सा एक मेथड होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, वो एक टेक्निक होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है जिससे डीएनए फ्रेगमेंट को इकट्ठा किया जाता है। एक बार क्वेश्चन तो ये भी पूछा गया था ना कि जो डीएनए फ्रेगमेंट को इस पर इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा सेपरेट करते हैं वो किसके बेस पे, तो डीएनए फ्रेगमेंट के साइज के बेस पे, तो ये चीज़ जो एनसीईआरटी में वो फिगर दिया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दें, ये है बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन था, बायोटेक्नोलॉजी में एनसीईआरटी में जाएंगे तो वहाँ पे जल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम, जीव और उसकी कोशिका भित्ति निम्न कारक एंजाइम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, तो बैक्टीरिया को लाइसोजाइम एकदम सही है, बैक्टीरिया लाइसोजाइम इफेक्ट करता है, प्लांट सेल, प्लांट की सेल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, तो सेलुलेज जो एंजाइम होता है उसको डिग्रेड कर देगा उसके सेलवाल को, ये भी सही है। तो एल्गी की सेलवाल जो होती है वो एल्गी की सेलवाल होती है, सेलुलोज की भी बनी होती है, और तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे मिथाइलेज दे रहा है तो यही तो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। और फंजाई की सेलवाल तो काइटिन की बनी होती है, और काइटिनेज जहाँ पे ए एस ई लग जाए ना जिस वर्ड में लास्ट में, वो समझिए वो एंजाइम ही है, तो ये देख लिए सब एंजाइम है। काइटिन की ये जो फंजाई की सेलवाल होती है काइटिन की होती है, अब काइटिन सेलवाल को कौन इफेक्ट करेगा, काइटिनेज ही इफेक्ट करेगा, एल्गी मिथाइले दे दिया ना, तो एल्गी का मेथिल से जब बनता है सेलवाल तब ये करेक्ट होता है, लेकिन एल्गी की जो सेलवाल होती है वो सेलुलोज की होती है, ग्लाइकांस मैनांस ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए 129, दी कॉलोनी ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर व्हाइट इन कंट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनी ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ, अब ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, अनु ये देख लीजिए, अपने योगजी जीवाणुओं की नीली निवन के विपरीत पुनर्योगजी जीवाणुओं की निवा स्वयत दिखाई देती हैं, क्योंकि दी कॉलोनी ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर होते हैं व्हाइट इन कंट्रास्ट पे टू ब्लू कॉलोनी पे, और नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया नहीं होते, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा ग्लाइकोसाइडेज उसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, निम्नलिखित में से किसकी गहरे समुद्र जल में पाए जाने की संभावना होती है, तो वो होती है आर्किबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग जगह पे होते हैं और डीप सी हाइपोथर्मल पोजिशन पे भी होते हैं आर्किबैक्टीरिया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का प्राकृतिक भंडार कौन सा होता है, तो फॉस्फोरस सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा रॉक में, चट्टानों में, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 देख लीजिए, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, कहीं पे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आपको दिखे ना तो तुरंत आपको कंज्यूमर याद आना चाहिए, उपभोक्ता याद आना चाहिए, द्वितीय उत्पादकता कहीं भी दिखे तो उपभोक्ता याद आना चाहिए। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय, किसके द्वारा, द्वितीय उत्पादकता किसके द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ बनाने की दर है, तो वो होती है उपभोक्ता मीन्स कंज्यूमर।
कॉमर्स, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर इक सीटू कंजर्वेशन। तो इक सीटू इन सीटू कंजर्वेशन आप इकोलॉजी एनसीईआरटी में देखेंगे, 12th एनसीईआरटी में जाएंगे इकोलॉजी, तो वहाँ पे इक सीटू इन सीटू दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, उसकी एक वीडियो मैं बनाया भी हूँ और एक वीडियो और बना दूंगा, तो एकदम क्लियर भी हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा इक सीटू पादप संरक्षण में प्रयुक्त नहीं होता। तो इक सीटू कंजर्वेशन में ये आप जेड बी डब्ल्यू याद कर लीजिए, काफ़ी बार मैंने बताया भी है कि जेड से क्या होता है और बी से और डब्ल्यू से, तो इसमें फील्ड जीन बैंक आता है, सीड बैंक आएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ पौधों को काटना, तो यही इसमें नहीं आता है इक सीटू कंजर्वेशन में। और बॉटनिकल गार्डन ये सब आते हैं, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी ये सब आते हैं इसमें। जैसे देख लीजिए, नेचुरल हैबिटेट प्लेस इन प्रोटेक्टेड कैरिंग इन्वायरमेंट, तो नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है इक सीटू कंजर्वेशन में। जैसे उसके एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं कि इक सीटू के जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, या फिर बॉटनिकल गार्डन जीन बैंक भी लिख सकते हैं। इतना आप लिख लेंगे इक सीटू कंजर्वेशन में ना, तो आप कहीं भी कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अगर एग्जाम्पल वो पूछता है कि इक सीटू कंजर्वेशन का कौन सा एग्जाम्पल है, तो ये आप लोग रट सकते हैं, जूलॉजिकल पार्क लिख लीजिए, बॉटनिकल गार्डन लिख लीजिए, वाइल्ड लाइफ सफारी भी लिख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सफारी लिखने के बाद आप ये समझिए कि बॉटनिकल गार्डन जीन बैंक भी लिख सकते हैं, जीन बैंक, बॉटनिकल, वाइल्ड लाइफ सफारी, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, ये चारों लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल वाज क्या दिया गया है, इंडोर्स्ड एट, क्योटो उल्लेख प्रोटोकॉल का अनुमोदन कहाँ हुआ था। तो इसमें ऑप्शन नंबर को फाइव में, जापान में 1997 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज एमंग ग्लोबल बायोडायवर्सिटी, वैश्विक जैव विविधता में किसकी जातियों की अधिकतम संख्या होती है, सबसे अधिक क्या इसमें है, एलगी, लाइकेन, फंजाई, मॉसेस एंड फर्न, तो बैक्टीरिया के बाद फंजाई का नंबर आता है, तो फंजाई सबसे अधिक इसमें, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट, कवक ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ये भी क्वेश्चन मैच द नेम ऑफ द एनिमल, कॉलम फर्स्ट में दिया गया है और कॉलम सेकेंड में दिया गया है, और आपको क्या कराना है, एंड द फाइलम हुज द बिलोंग, तो आपको मैच कराना है कि कौन सा इसमें सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, पेट्रोमाइजान एक्टोपैरासाइट होते हैं और इनका फाइलम जो होता है वो साइक्लोस्टोमेटा होता है, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोग करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू दियर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, निम्नलिखित जंतुओं में से किस समूह का वर्गीकरण सही है इसमें। तो ये देख लीजिए, फ्लाइंग फिश, कैटल फिश, सिल्वर फिश, सिल्वर फिश पिसीज हैं, मतलब ये पक्षी हैं, तो सिल्वर फिश पक्षी नहीं होती, और सेंटीपीड, मिलीपीड्स, स्पाइडर, स्कॉर्पियन इंसेक्ट हैं, तो स्कॉर्पियन इंसेक्ट नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं सही है। थर्ड ऑप्शन देखिए, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, टेस्ट फ्लाई, टेस्ट ये दिया गया है, टीसीटीसी फ्लाई और सिल्वर फिश, ये क्लास इंसेक्टा के हैं और फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो ये तो सही है, यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है, सिल्वर फिश पूछ लेता है, सिल्वर फिश क्या होता है, तो ये एक इंसेक्ट होता है, किस फाइलम का होता है, आर्थ्रोपोडा, और किस क्लास का, इंसेक्टा क्लास का, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड तो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 138, व्हिच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू द सेम फाइलम, अब इसमें देखना है कि कौन से इसमें जितने दिए गए हैं ए बी सी डी में, कौन से ऑप्शन में फाइलम सेम है, मलेरिया पैरासाइट, अमीबा, मॉस्किटो, मॉस्किटो नहीं सही है, अर्थवान, टेपवार्म, तो इसमें सिलेंट्रेटा के ये मेंबर हैं और ये तो गलत हो जाएगा, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में आएंगे, तो ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकस्टा, ये तीनों एक ही फाइलम के हैं, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के, तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज, अब आर्थ्रोपोडा का मेंबर देखना, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है,
कैटल फिश नहीं, सिल्वर फिश हाँ, तो ऑप्शन नंबर सेकंड लगाइए, यही सही है। सिल्वर फिश का दूसरा नाम लिख सकते हैं लेपिस्मा, इसे को कहते हैं LEPISMA लेपिस्मा कहते हैं, या फिर इसी को बुक वार्म्स भी कहते हैं। इसका तीन नाम आप लोग रट सकते हैं सिल्वर फिश का, बुक वार्म्स WORMS, ये चीज़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी एच जोन इन द स्केल्टल मसल्स फाइबर इज ड्यू टू, कंकाली पेशी रेशे में यच क्षेत्र का कारण क्या होता है, तो बिटवीन ये ए बैंड, दी सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन एकदम एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। जो यच जोन इसमें होता है ना, ये जब आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जब आप वो एनाटॉमी मसल्स फाइबर की जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यच जोन जो होता है ना, ये क्या होती है यच जोन, ये मायोसिन के अंदर तथा एक्टिन फिलामेंट के बीच का केंद्र होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही हो जाएगा। सेंट्रल गैप होता है बिटवीन किसके बीच, एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू द मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, तो ये चीज़ है, मायोसिन के अंदर तथा एक्टिन फिलामेंट के बीच का केंद्र स्पेस होता है। ए पट्टी में मायोसिन तंतुओं से होकर फैले हुए एक्टिन तंतुओं के बीच का केंद्रीय अवकाश को क्या कहते हैं, यच जोन कहते हैं। यच जोन का एक नाम और होता है हैंसन जोन, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। एक बार पूछा गया था HENSEN हैंसन जोन पूछा गया था, ये किसका नाम होता है दूसरा नाम, तो ये होता है यच बैंड, यच जोन का दूसरा नाम हैंसन जोन भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सटर्नल चेंज आर विजिबल आफ्टर द लास्ट माउल्ट ऑफ द काकरोच निम्फ, तिलचट्टे के निम्फ के अंतिम निर्मोचन के पश्चात कौन से बाहरी परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, तो पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि आपको काकरोच में कितने माउल्टिंग देखने को मिलेगा। ये माउल्ट मीन्स होता है, जैसे पहले क्या होता है, पहले छोटा सा काकरोच रहेगा तो उसके निम्फ मतलब माउल्ट होने लगेगा, तो माउल्ट जैसे जैसे होगा वो एडल्ट में चेंज होता जाएगा। तो एक बार तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि काकरोच में कितनी माउल्टिंग होती है, तो 13 बार माउल्टिंग होती है, 13 बार, ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और लास्ट माउल्टिंग जब होती है काकरोच की, लास्ट माउल्टिंग काकरोच निम्फ आफ्टर मतलब बाद में, तो वो आपको दिखने लगता है काकरोच में, बोथ फोर विंग्स दिखने लगते हैं एंड हिंड विंग्स डेवलप हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 देख लीजिए, द गाल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले मेजर रोल। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि गाल्जी सम्मिश्र प्रमुख भूमिका अदा करता है, तो 141 का कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे करेक्ट, इसमें अच्छे से देखिए। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड, तो गाल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या होता है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन होता है प्रोटीन और लिपिड को सिंथेसिस करना, तो 140 कौन सा, 142 का ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड, लिपिड का ग्लाइकोसाइडेशन करेगा लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलके, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गनल्स इन द फिगर करेक्टली मैच विद द फंक्शन, अब ये आपको फिगर पहचानना है, ये फिगर किसका फिगर है, चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा अंगक अपने कार्य के सही मिलता है, तो ये देख लीजिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन फिगर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और इसमें देखेंगे ऐसे बिंदी बिंदी आपको दिख रहा होगा, ये क्या होता है, राइबोसोम होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप डिवाइड कर सकते हैं दो में, ये देख लीजिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिसपे नहीं प्रेजेंट होता उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है कि नहीं, तो प्रेजेंट होता है, तो ये देख लीजिए प्रेजेंट भी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मीन्स होता है मतलब होता है राइबोसोम का प्रेजेंट होना, और स्मूथ
स्मूथ का मतलब कि साफ हो जाना, मतलब उस पर राइबोसोम अब्सेंट है, मतलब नहीं प्रेजेंट है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट है, तो राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज़ का सिंथेसिस करता है, तो प्रोटीन का, PROTEIN प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस करता है, तो लिपिड का। ये आप लोग एकदम लिख सकते हैं लिपिड का। तो ये हो गया, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिपिड का सिंथेसिस किसके द्वारा, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। अब ये क्वेश्चन एकदम सिंपल आप लोग सॉल्व करिए, इसमें राइबोसोम है इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कौन सा, प्रोटीन सिंथेसिस, तो ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोमालिक्यूल्स काइटिन इज, काइटिन महाअणु है, तो काइटिन महाअणु क्यों है, कि काइटिन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इग्जो स्केल्टन ऑफ आर्थोपोड, आर्थोपोड का जो इग्जो स्केल्टन होगा वहाँ पे काइटिन देखने को मिलेगी। और काइटिन किसकी बनी होती है, इन एस्टिल ग्लूकोसामाइन नाग पॉलीमर्स, ये इन एस्टिल ग्लूकोसामाइन पॉलीमर्स से मिलके बनी होती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग होती है काइटिन, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड होती है काइटिन, तो ऑप्शन नंबर एकदम फर्स्ट सही हो जाएगा, नाइट्रोजनी पॉलीसेक्राइड काइटिन महाअणु होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप करेक्ट लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 145, द इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर, अनेक सह एंजाइमों के आवश्यक रासायनिक घटक क्या हैं, तो विटामिन सी होते हैं, तो नाइड होता नहीं है, निकोटीन क्या उसका नाम था पूरा 145 का, जैसे कोएंजाइम था नहीं निकोटीना, ये आप लिख सकते हैं NICO NICOTINA निकोटीनामाइड, यही तो था, NAD इसी को तो कहते हैं, NCERT में दिया गया है, तो विटामिन ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर आपको दिया गया है, अब ये फिगर आपको पहचानना है, तो सेल साइकिल आप अच्छे से NCERT से पढ़ सकते हैं, 100% अगर NCERT से पढ़ते हैं तो वहीं से क्वेश्चन आता है, 100% हो भी जाता है। ज़्यादातर आप क्या पढ़ेंगे, माइटोसिस पढ़ सकते हैं, वो सेल साइकिल पूरा आपको एकदम पता होना चाहिए, और फिर आप मियोसिस में जाएंगे, प्रोफेज फर्स्ट पता होना चाहिए, इतना आप पढ़ लेते हैं तो 100% हो जाता है। तो सेल साइकिल पूरा पता होना चाहिए, जैसे इसमें कौन कौन स्टेज आती हैं वो जो फिगर बनाया गया है, और प्रोफेज फर्स्ट में जो 5 सब स्टेज होती हैं, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, वो सब पूरा आप क्लियर करेंगे तो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन, ये आप फिगर आप एग्जाम पता रहेगा तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे। चित्र में कोशिका विभाजन की एक अवस्था दर्शाई गई है, अवस्था की सही पहचान और उसकी सही विशिष्टता को चुनिए, तो ये जो टेलोफेज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ये टेलोफेज की अवस्था का फिगर है, और न्यूक्लियर इन्वलव रिफार्म, न्यूक्लियर रिफार्म हो रहे हैं, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स रिफार्म हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट इन ह्यूमन गिवन, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड दिया गया है, और एब्जॉर्प्शन देखना है कि किसमें, जैसे ग्लाइसिन क्या होता है, अमीनो एसिड होता है, ग्लूकोज क्या होता है, मोनोसेक्राइड होते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्प्शन हो जाता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये देख लीजिए, सोडियम का कह रहा पैसिव के थ्रू, नहीं एक्टिव के थ्रू, ग्लिसराल और फैटी एसिड का कह रहा कि ड्यूडेनम में एब्सेंट होता है, जेजुनम में होता है, तो ये इस हिसाब से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर्स बेबी हु सफर्स फ्रॉम स्टंट ग्रोथ, मतलब ग्रोथ उस बच्चे का नहीं होता, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, लो इंटेलिजेंस का होता है, क्वाइटेंट एंड एबनॉर्मल स्किन होती है, दिस रिजल्ट आप किसकी कमी से, ये सब प्रेग्नेंट वोमेन में, बच्चों में देखने को मिलेगी। एक गर्भवती स्त्री ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो अल्प विकसित वृद्धि हो, मानसिक मंदता हो, निम्न बौद्धिक मापदंड एवं असामान्य त्वचा से ग्रस्त हो, तो ऐसा किसके कारण हुआ है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन डाइट में, जब डाइट में डिफिशियंसी हो जाती है आयोडीन की, तब ये सब ग्रोथ, मतलब बच्चे में आपको ये सब देखने को मिलेंगे, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस, ये सब चीज़, तो ये चीज़ प्रॉब्लम है। तो और इसमें जो दिया गया, सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से नहीं, थायरॉयड ग्लैंड कैंसर की वजह से नहीं, ओवर सिक्रेशन ऑफ फास्ट डिस्टलिस नहीं, तो ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक फिगर दिया गया है लंग्स का। अब इसमें आपको ए बी सी डी दिया गया है, इसमें देखना है कौन सा मेन फंक्शन है, करेक्टराइस्टिंग मतलब कौन सही है। इसमें चित्र में मानव श्वसन तंत्र का एक आरेखी दृश्य दर्शाया गया है जिसमें चार नामांकन ए बी सी डी दिए गए हैं। अंग सही पहचान के साथ साथ उसके प्रमुख कार्य अथवा विशिष्टता के विकल्प को चुनिए। जैसे ए दिया गया है ट्रेकिया, लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजनेस, कंप्लीट नहीं होती है, फॉर कंडक्टिंग इंस्पायरेशन एयर, तो ये गलत हो जाएगा। बी में देख लीजिए प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंडिंग रिप्स, रिप्स नहीं प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो सराउंड करती है लंग्स को, इसलिए ये बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन देख लीजिए, सी एल्वियोलस को दे रहा है, और एल्वियोलाई क्या होते हैं, थिन वॉल होती है, वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वर्क करता है गैस एक्सचेंज में। तो यही तो लंग्स में CO2 और O2 जो फंक्शन चेंज होते हैं, ब्लड ब्लड के जो ब्लड में क्या होता है ऑक्सीजनेशन प्रोसेस यही तो होती है। ऑक्सीजन जो ब्लड में CO2 रहता है उसको बाहर निकाल देती है, और जो बाहर से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो ब्लड में डाल देती है, तो एक्सचेंज ऑफ गैस यहीं एल्वियोलाई में ही होता है लंग्स के। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एकदम सही मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए 150, इसमें भी फिगर दिया गया है, डबल सर्कुलेशन का फिगर दिया गया है, इसमें आपको ए बी सी डी दिया गया है, इसमें मैच करना है। फिगर द शोइंग द स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन विथ लेवल ए टू डी, आइडेंटिफाई द लेवल, अब ये आपको आइडेंटिफाई करना है ए बी। तो इसमें देख लीजिए सी क्या दिया गया है, सी ए क्या दिया गया है, ये पल्मोनरी वेन है, ये देख लीजिए पल्मोनरी वेन, यही तो रिसेप्शन था जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लंग से, उसको सभी आर्टरी में क्या बहता है, जितने आर्टरी हैं उसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, बट एक पल्मोनरी जितने भी वेन हैं उसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, मतलब CO2 की मात्रा अधिक होती है, बट एक वेन है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है वो बहता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो पल्मोनरी वेन है। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसी से आप एकदम अच्छे से देख लीजिए, ए ऑप्शन पल्मोनरी वेन दिया गया है, और यहाँ पे ए क्या दिया गया है, ए इसमें देख लीजिए सी पल्मोनरी वेन टेक्स इम्प्योर ब्लड, इसीलिए तो गलत हो गया, इम्प्योर नहीं प्योर ब्लड लेके आती है, और बी पल्मोनरी आर्टरी है, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। सी क्या दिया गया है, ये बिना केवा है, टेक्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट से लेके आएगी, राइट एट्रिया राइट आर्किल में छोड़ेगी, ये राइट आर्किल है इसी में छोड़ेगी, यहाँ पे ऐसे होता हार्ट में, ये हार्ट बना है ना बीच में, हार्ट देखेंगे हार्ट बना है, ये हार्ट है, तो ये राइट आर्किल में छोड़ती है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है वो 45 mmHg होता है, और अगर यहीं ऑक्सीजन का पूछता तो 40 होता है इसमें, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एक डायग्राम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यहाँ से 151 से, और लास्ट वीडियो करेंगे उसमें 30 क्वेश्चन करेंगे, तो ये 2013 का एकदम समाप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग वेट करिएगा, और इस वीडियो को एंजॉय करिए, और बेस्ट क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन, तो उनको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और पढ़ाई अच्छे से करते रहें, सिलेक्शन तो ज़रूर होगा, तो इसलिए थैंक यू।